आप देख रहे हैं अपना समाचार। मैं मोहन राठौर, सबसे पहले सारे भोजपुरिया भाई लोगों को मेरा प्रणाम। और आज बहुत ही अच्छी फिल्म है, अभी कल्पना दीदी के साथ डुएट सॉन्ग था मेरा, और एक मेरा और आलोक जी का था डुएट सॉन्ग, दोस्ती का गाना है ये फिल्म। जो मैं अभी जिस फिल्म में गाना गाया हूँ, उस फिल्म का नाम है धूम मचा ले, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं हमारे अनमोल अनिल भैया जी। और बहुत ही भैया का साथ, बहुत पुराने, जब से मैं स्ट्रगल शुरू किया था 2003-04 में, तब से भैया का साथ है। आज इन्होंने म्यूजिक डायरेक्ट किया है फिल्म का, और बहुत ही अच्छा मुझे लगा। और हम सब मिलके बहुत शोज करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, और बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं भैया। कितना गाना गा रहे हैं इसमें आप? इसमें मेरा दो गाना है जी। आज जो गाना गाए उस बारे में कुछ बताने, गीत संगीत किस तरह से बनाया गया है? बहुत ही प्यारा गाना है, पति पत्नी का गाना है। पति मतलब ड्यूटी जाते हैं, पुलिस में रहते हैं, दरोगा रहते हैं, और वो आते हैं, पत्नी से थोड़ा सा प्यार दुलार करते हैं, वैसा टाइप का सिचुएशन है। और बहुत ही प्यारा गाना है, वो गाना बहुत अच्छा लगेगा सबको। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो गाना बना है, दर्शकों के बीच में किस तरह से हंगामा मचाने वाला है? बहुत ही प्यारा गाना है वो, क्योंकि ये जो एक पति पत्नी के जो बीच का जो रोमांस होता है, उस चीज़ को इसमें बताया गया है। और बहुत ही खूबसूरत अदायगी से नोट्स को, सुरों को खूब अच्छे तरीके से कल्पना जी ने, और मोहन जी से जो उम्मीद था, बहुत ही खूबसूरत तरीके से ने गाया है। मैं एकदम काफ़ी उत्साहित हूँ, और मेरा ये पूरा विश्वास है कि ये मार्केट में आएगा तो एक नए तरीके से एक लोगों को एक बहुत अच्छा लगेगा ये, इसका संगीत, इसका म्यूज़िक, इसकी फील। तो ये एक बहुत ही, समझिए कि अन्य गानों से थोड़ा ये अलग है। कुल कितने गाने हैं इसमें? इसमें टोटल 7 गाने हैं, और सातों गाने, सातों के मूड अलग अलग टाइप के हैं। और एक गाना ऐसा है जिसमें मोहन जी ने और आलोक जी ने और एक प्रवीण सिंगर हैं, उन्होंने तीन आवाज़ मिली है, और ये एक बार के ऊपर, रेस्टोरेंट के ऊपर गाना ये है, और वो गाने की अलग ही फील है, अलग ही। तो वो सुनिए, सुनने पे आप लोग को एक अलग फील देगा वो। मोहन जी, बात करें इसमें ढेर सारे आपके गाने आते रहते हैं, तो ये लेटेस्ट कौन सा हिट चल रहा है बताना चाहेंगे? अभी तो मेरा एक गाना आने वाला है, तू हर जगह है, बीएफ कंपनी से आने वाला है, और बहुत ही अच्छा गाना है। मैं सोचा था कि ये टी सीरीज जी म्यूजिक से रिलीज होगा, लेकिन मतलब जो बीएफ कंपनी के मालिक है दिनेश सर जी ने, उन्होंने बोला कि मतलब इसे इंडिया लेवल से रिलीज करेंगे। बहुत ही बड़ा अच्छा, मतलब मेरे जीवन का पहला मतलब हिंदी सॉन्ग, बड़े अच्छे लेवल से इसे रिलीज किया जा रहा है। और आज धूम मचा ले फिल्म में गाना गा के बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा है। अभी हाल में जो कोई हिट हुआ है उसके आंदोलन कर सुना चाहिए? अभी तो मेरा गाना बहुत ही अच्छा अभी गया था, रक्षाबंधन का, बहुत ही प्यारा गाना था। अभी एक गाना और आया जो मतलब जैसे कि राधे श्याम रसिया जी, गुड्डू रंगीला जी और तमाम लोग, सब लोगों ने गाया है गाना, सबको मैं जो मतलब उसमें का थोड़ी सी मतलब शब्द है, मतलब और शब्द है, उसको छिपा के मैंने गाया है, जिसे राजा 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 करेजा में समाजा, और बहुत सारे गाने इसमें, लुलिया मांगे ले, और मनोज तिवारी भैया का बगल वाली जान मारे ले, तो ऐसा करके एक गाना मेरा गया मार्केट में, लोग बहुत सुन रहे हैं उसे, बड़ा अच्छा लग रहा है सबको। दो लाइन सुनाना चाहेंगे? वो गाना है बस वैसे ही गा दिए हैं बस, वो जैसे कि जिसे इसमें मैं छिपा दिया हूँ वो चीज, गाना जो था, हे राजा 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 करे जा में समाजा, उठा ला तनी कोरा भेटाई खूबे मजा, अरे की बहिया में कसी के सैया, टंग डंग 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 टंग, ऐसे म्यूजिक करके मतलब उसमें ऐड किया गया है पूरा, लॉलीपॉप का वर्जन, जैसे यो हनी सिंह के साथ आप लोगों ने मुझे देखा इंडियाज रॉ स्टार में, स्टार प्लस पे, और महुआ चैनल सुर संग्राम में, आज कम से कम 4-5 हज़ार भोजपुरी फिल्मों में मैं गाना गा चुका हूँ। और सारे म्यूजिक डायरेक्टर भैया लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद यहाँ मुंबई में बना है, सारे लोगों का प्यार दुलार मिलता है, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया। आज धूम मचा ले फिल्म में गाना गाया हूँ, इस फिल्म के सारे कलाकारों को ऑल द बेस्ट कि आप लोग का ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो। बस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बारे में मैं क्या कहूँ, सर लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमसे ज़्यादा भैया कहेंगे, अनिल भैया जी। इस हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश पांडे जी हैं, और वीडियो डायरेक्टर हमारे सुई सिन्हा जी हैं, और ये फिल्म जो है कि
लिख से हटके है। जैसे इसमें इस फिल्म में आपको ना ही तो माँ देखने को मिलेगा, ना ही बाप देखने को मिलेगा, ना ही भाई बहन जैसा कि अन्य फिल्मों में देखते हैं। तो ये फिल्म इस टाइप का है। ये फिल्म जो है कि एक क्या बोल सकते उसको स्मगलिंग उसके ऊपर आधारित ये फिल्म है। तो ये उस टाइप की फिल्म है, इसमें कोई हाँ काफ़ी अलग है, इसमें कोई रिलेशन वाली किसी ऐसी कुछ बात देखने सुनने को नहीं है। बट ये जो है अपने जिस लिंक में जिस लाइन पर जिस लिंक पे है वो उसका एक अलग ही पूरा जोन है। और पूरा विश्वास है कि इसको देखने के बाद लोग इसको कब पसंद करेंगे और लोग इसके जैसा फिल्म बनाने की कोशिश भी करेंगे कि इस टाइप का भी, क्योंकि अक्सर फिल्म देखा गया माँ बाप के बिना भाई के बिना के फिल्म अक्सर होता नहीं है। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक है बस वही लाइन हम लोग गाएंगे साथ में आप कि तो हर सभे दिन के सरधा पुराई वे करे जा अजुबे के रतिया में, हो तो हर सभे दिन के सरधा पुराई वे करे जा अजुबे के रतिया में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, धन्यवाद, थैंक यू।